मूवी की शुरुआत उलिसी नाम के एक टीचर से होती है जो एक टाउन में लिटरेचर पढ़ाने के लिए आता है। वो इसी टाउन के एक रेस्टोरेंट ओनर के यहाँ रेंट पर रहने लगता है, पर एक दिन जब वो रेस्टो में बैठकर लंच कर रहा होता है तो वो छत पर ओनर की बेटी मार्टिना को देखता है जो कपड़े सुखा रही थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उलिसी को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। वहीं जब उलिसी मार्टिना से बात करने की शुरुआत करता है तो उसके डैडी ये सब देख लेते हैं, तो वो उलिसी को उसकी बेटी से दूर रहने को बोलते हैं क्योंकि उनके टाउन के काफी बड़े बिजनेसमैन का बेटा सियरा मार्टिना को लाइक करता था, इसलिए वो चाहते थे मार्टिना भी किसी तरह उसे हाँ करके उसके साथ सेटल हो जाए। अब धीरे धीरे उलिसी और मार्टिना के बीच बातें होना शुरू होती हैं, तो वो भी उलिसी को लाइक करने लगती है। और एक दिन मार्टिना उलिसी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है। वो उलिसी को समुन्द्र किनारे खड़ी एक बोट को दिखाती है जिस पर 4 साल पहले एक फिल्म बनी होती है। यहाँ वो बोलती है उसका सपना है जब उसके पास काफी पैसे हो जाएंगे तो वो इस बोट को खरीद लेगी। इसके बाद तो उलिसी मार्टिना के साथ पूरा टाउन घूमता है और ये एक बार में जाकर खूब इंजॉय भी करते हैं। और फिर अगले दिन ये लोग घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ उलिसी मार्टिना को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। ये देखने पर मार्टिना भी काफी खुश होती है, वो उलिसी को किस करने लगती है। इसके बाद ये एक केव में जाकर इंटीमेट होते हैं। वहीं सियरा को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है तो वो मार्टिना से बात करता है, पर मार्टिना उसे कोई भाव नहीं देती। वो उसे बोलती है वो बस उसे लाइक करती है, पर वहीं वो उलिसी से प्यार करती है। और फिर इस तरह से मार्टिना और उलिसी को साथ में कई महीने गुजर जाते हैं। तो एक दिन मार्टिना को पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उलिसी और मार्टिना एक दूसरे से काफी प्यार करते थे तो ये शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद मार्टिना अपने मोम डैड से इस बारे में बात करती है तो वो पहले मना करते हैं, पर बाद में उन्हें इसके लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं उलिसी और मार्टिना की फाइनली शादी हो जाती है। और शादी के बाद ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। अब तो इन लोगों ने अपना नया घर भी खरीद लिया था, इनकी लाइफ काफी अच्छे से गुजर रही थी। तो कुछ महीने बाद इनकी लाइफ में एक और खुशी आ जाती है जो कि इनका बेटा था। उलिसी ने बेटे का नाम एबेल रखा था। वहीं एक रात सियरा के घर पार्टी थी तो वो मार्टिना को भी पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। और जब मार्टिना भी उलिसी के साथ पार्टी में जाती है तो सियरा मार्टिना को अपना घर और बेडरूम दिखाने लगता है, जहां वो मार्टिना से किस करने के लिए पूछता है। पर उसके मना करने पर सियरा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो मार्टिना उसे डांटकर उलिसी को लेकर वहां से चली जाती है। और फिर रात को मार्टिना उलिसी को बोलती है उसे टूना फिश पकड़ने जाना चाहिए क्योंकि मार्टिना को टूना फिश काफी पसंद थी। लेकिन जब अगले दिन उलिसी फिशिंग करने जाता है तो इसी बीच समुन्द्र में काफी तेज तूफान आ जाता है और इस तूफान में उलिसी की बोट डूब जाती है। वहीं अगला दिन होने पर जब लोगों को किनारे पर पड़ी उसकी टूटी हुई बोट मिलती है तो सभी लोग सोचते हैं उलिसी उसी तूफान में चल बसा। इस खबर से मार्टिना भी टूट जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था उलिसी अब नहीं रहा। और फिर इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं जहां हम मार्टिना को सियरा के साथ देखते हैं। दरअसल उलिसी के जाने के बाद मार्टिना अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके बेटे को पालने वाला कोई होना चाहिए, यही सोचकर मार्टिना के मोम डैड उसकी शादी सियरा से करवा देते हैं क्योंकि सियरा तो पहले से ही उसे लाइक करता था। अब तो एबेल भी काफी बड़ा हो गया था। मार्टिना भी सब कुछ भूल कर सियरा से प्यार करने लगी थी। उसकी लाइफ बड़े ही ऐशो आराम से चल रही थी, पर एक दिन उसके पास उलिसी का कॉल आता है तो वो शोक हो जाती है क्योंकि उलिसी मरा नहीं था, वो उस तूफान में बहते हुए काफी दूर एक आइलैंड पर पहुंच गया था। अब वो वापस लौटता है तो पता चलता है मार्टिना फिर से शादी करके सियरा के साथ रह रही है। अब वो मार्टिना को कॉल करके बोलता है वो जिंदा है, अगर वो उसे देखना चाहती है तो होटल के रूम नंबर 35 में आ जाए। ये सुनकर मार्टिना उलिसी से मिलने पहुंच जाती है जहां ये एक दूसरे को देखकर काफी रोते हैं और दोनों के साथ क्या क्या हुआ ये सब एक दूसरे को बताते हैं। कुछ देर बाद ये इंटीमेट होते हैं तो उलिसी बोलता है वो अपने बेटे से मिलना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है। ये सुनकर मार्टिना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एबेल अब बड़ा हो चुका है, वो सियरा को ही अपना डैड समझता है क्योंकि उसे पता नहीं है वो उसके रियल डैड नहीं है। अब ये सुनने के बाद उलिसी बोलता है वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसने काफी साल उसके बगैर गुजारे हैं। अब मार्टिना को भी समझ नहीं आता वो क्या करे, वो सियरा और अपने बच्चे के साथ रहे या फिर उलिसी के पास आ जाए। और तभी उसे ख्याल आता है कि सियरा के द्वारा बनवाई गई एक बिल्डिंग पर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार थी। और फिर मार्टिना उलिसी को अपने पास ही रखने के लिए उसे उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर देती है, जिसके बाद जब भी सियरा ऑफिस के लिए निकल जाता तो तब भी मार्टिना भी उलिसी के पास जाकर बातें करती और इंटीमेट होती। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, इससे सियरा को भी मार्टिना पर शक होने लगा था।
और फिर एक दिन सियरा को पता चलता है मार्टिना किसी आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर गई थी। पर जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो मार्टिना बोलती है कई सारी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, इसलिए कोई मिस्टेक हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सियरा इस बात को यहीं छोड़ देता है, लेकिन उसे पता था कोई तो ऐसा है जिससे वो मिल रही है। अब मार्टिना भी उलीसी से मिलना कंटिन्यू रखती है। वो उसे सियरा के बारे में बताती है कि शायद उसे उस पर शक होने लगा है। और फिर कुछ दिन बाद मार्टिना को पता चलता है सियरा की उस बिल्डिंग को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए अब वो उसे सेल करने की तैयारी में है। ये सुनकर मार्टिना परेशान हो जाती है। अब उलीसी के लिए वो जगह सेफ नहीं थी, इसलिए वो उसे वहाँ से हटाकर उसे एक बोट में शिफ्ट कर देती है। पर यहाँ पर हम सियरा को भी देखते हैं जो इन पर नजर रखे होता है, क्योंकि उसे मार्टिना पर पहले से ही शक था। कुछ देर बाद ही सियरा वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब वो कुछ बड़ा करने वाला था। वहीं उलीसी भी मार्टिना को बोलता है वो उसे छोड़कर न जाए, वो उसके साथ रहना चाहता है। अब वो और ज्यादा खुद को दुनिया से नहीं छिपा सकता। ये सुनकर मार्टिना का भी दिल पिघल जाता है। अब वो उलीसी के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। पर जब वो घर पहुंचती है तो सियरा से और बर्दाश्त नहीं होता, उसके सबर का बांध टूट जाता है। तो वो मार्टिना को बोलता है उसे पता है उलीसी जिंदा है, जिससे वो हर रोज मिलकर उसे धोखा दे रही है। सियरा काफी गुस्सा हो चुका था तो वो मार्टिना को पूछता है कि वो चाहती क्या है। तो मार्टिना भी बता देती है वो उलीसी के साथ रहना चाहती है। अब ये सुनकर सियरा बोलता है वो उसे वहां से जाने देने की बजाय क्यों न उसे जान से मार डाले, ताकि सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। पर तभी गुस्से में सियरा उसे हमेशा के लिए उसके घर से निकल जाने को बोलता है। तो मार्टिना भी अब उलीसी के पास जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। वहीं सियरा भी अपने आदमियों के साथ मिलकर उलीसी के पास जाता है, जहां सियरा उलीसी को साइड में ले जाकर बोलता है वो चाहता है कि वो दोनों जिंदा रहें। तो वो मार्टिना को बोल दे वो अपने बच्चे और सियरा को छोड़कर न जाए, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं सियरा के आदमी उलीसी की बोट के इंजन को खराब करके उसके वायरलेस सिस्टम को भी तोड़ देते हैं। इसी के साथ वो टॉयलेट सीट को भी तोड़ देते हैं, ताकि जब वो दोनों वहां से निकल जाएं तो बीच समुद्र में उनकी बोट फंस जाए और धीरे धीरे बोट डूबने से वो दोनों मारे जाएं। और फिर सियरा के वहां से जाने के बाद मार्टिना वहां आती है, तो उलीसी मार्टिना के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से निकल जाता है, लेकिन बीच समुद्र में जाकर इनकी बोट खराब हो जाती है। मार्टिना वायरलेस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है तो देखती है सिस्टम को भी खराब किया गया है। और तभी ये लोग देखते हैं बोट की टॉयलेट सीट भी टूटी हुई है, जिससे बोट में पानी भरना शुरू हो चुका था। अब ये लोग समझ जाते हैं ये सब सियरा ने उनसे बदला लेने के लिए ही किया है। और फिर ये लोग पानी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। और देखते ही देखते इनकी बोट डूबने लगती है। तो तभी बोट का एक पार्ट खुलकर जोर से उलीसी के सिर पर लगता है, जिससे उलीसी की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद बोट पूरी तरह डूबने से मार्टिना भी मारी जाती है। और इस तरह इन दोनों की मौत के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।